स्टोरी थी, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा आप दोनों से कि डॉग्स ने मिलाई जोड़ी वाली बात हो गई है तो मतलब दे कैन जंप कंटीन्यूअसली लाइक 2 to 3 hours. अच्छा, बस ऐसे बैक टू बैक है? वाओ, एक्चुअली बिल के अंदर जाने के लिए बना है. हाँ, तो उसे बाहर भी आना बैक टू स्पेस, क्योंकि उसके अंदर तो घूमने को जगह है नहीं. हाँ हाँ. और टेल जो चाहिए इसी लेंथ में चाहिए, 16 knots के साथ. ओके गाइस, ये देखो गाइस, बहुत ज्यादा अमेजिंग डॉबरमैन. भाभी ये कितने टाइम का होगा इस टाइम? ये यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल. सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बिकॉज मतलब आज जो मैं है आपको एक ऐसी जगह लेकर चला हूँ, एक ऐसे कपल से मिलवाने जिनकी जो है लव स्टोरी डॉग्स की वजह से शुरू हुई, और बहुत प्यारे प्यारे डॉग्स जो है उनके पास है, बहुत अलग अलग ब्रीड है आज आपको देखने को मिलेगी. आपको मैं भैया से मिलवाऊंगा एज वेल एज उनकी वाइफ हमारी भाभी जी से भी मिलवाऊंगा, जिनको ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 10 से 12 साल हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं डॉग्स रखते हुए, डॉग्स ब्रीड करते हुए, और उनकी जो लव स्टोरी है वो डॉग्स की वजह से शुरू हुई थी. और गाइस व्लॉग के स्टार्टिंग में ही ना मैं एक गिव अवे की अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जो कि जो है द कैनोफीलिया के इंस्टाग्राम पे चल रहा है, जिसके अंदर जो है हम द कैनोफीलिया की गुडीज जो है वो गिव अवे कर रहे हैं. आप मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गिव अवे का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, वहां पर जाके अपनी एंट्रीज दे, हो सकता है कि 5 lucky winners में से 1 lucky winner आप भी बने, जिसको जो है हम द कैनोफीलिया ब्रांड की जो है बहुत प्यारी प्यारी गुडीज आपको भेजें. सो मेक श्योर टू पार्टिसिपेट, और ज्यादा समय ना लेते चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं. और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. एंड नेक्स्ट व्लॉग ना यार मेक श्योर जरूर देखिएगा, इसके बाद वो आएगा स्पेशली हमारी भाभी के साथ, जो कि जो है बहुत टाइम से जायंट सेंट बर्नार्ड ब्रीड कर रहे हैं. तो ज्यादा समय ना लेते चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं. A few moments later. Okay guys, so आज हमारे साथ जसकीरत पाजी है, बहुत टाइम के बाद. कैसे हो पाजी? बढ़िया. तो पाजी बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं गाइस. पाजी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे पता लगेगा ट्राई सिटी स्पेशल चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के लिए बहुत बढ़िया न्यूज लेके आ रहे हैं पाजी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सो अभी हम पाजी के यहाँ पर पहुँच गए हैं और मिलते हैं पाजी से. कैसे हो पाजी? रमन पाजी कैसे हो? नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? अरे ये कौन है भाई पाजी? ये कौन है यार, हमारे को थोड़ा इनको इंट्रोड्यूस करो यार. ये एडम, वो वीर. अच्छा एडम और वीर. वीर, वाह यार क्या बात है. ये कौन सी ब्रीड है पाजी? स्मूथ फॉक्स टेरियर. स्मूथ फॉक्स टेरियर, यार मैं ये ब्रीड असलियत में पहली बार देख रहा हूँ. सो ये क्या, पहले तो चलो मैं आप सभी को रमन पाजी और भाभी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ. पाजी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आप दोनों की स्टोरी के बारे में. हमारी स्टोरी भी एक्चुअली इन्हीं के चक्कर में है. अच्छा डॉग्स इन्हीं के थ्रू हम मिले हैं. क्या बात है. अच्छा अच्छा वाओ यार क्या बात है. तो आपकी अभी मतलब कितने टाइम हो गया आपकी मैरिज को? आप दोनों से कि डॉग्स ने मिलाई जोड़ी वाली बात हो गई है तो वाओ यार. तो मतलब ऑलमोस्ट भाभी आप पहले से डॉग्स रखते थे आपने? हाँ जी, मैंने बचपन से रखे हैं डॉग्स. अच्छा, तो प्रोफेशनली मैं 12-13 में आई हूँ इस लाइन में ना. वाओ बहुत बहुत टाइम हो गया. सेंट बर्नार्ड ब्रीड करे हैं, फिर डॉग शो होशियारपुर में ऑर्गेनाइज करे हैं 2 बार. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद में ही बस वाओ क्या बात है. तो आपको कितना टाइम हो गया पाजी डॉग रखते हुए? एक्चुअली डॉग बच्चे तो घर पे शुरू से ही हैं. हाँ. मतलब चाइल्डहुड से ही, पहले पमेलियन था दादा के टाइम में, फिर एक डोबरमैन भी रखा हुआ था नाना जी के घर पे. प्रोफेशनली डॉग ब्रीडिंग करते हुए 8 साल हुए हैं. वाओ, तो सबसे पहली ब्रीड कौन सी आपने रखी थी? मिनिएचर पिंचर से स्टार्ट किया प्रोफेशनली. वाओ, वो डॉग आपका यहाँ पे ही है ना, वो जो 8 साल पुराना है ना, वो भी हम दिखाएंगे. बिल्कुल. वाओ, तो अभी लेटेस्ट आप दोनों मिलकर कौन सी ब्रीड अभी जो है इंडिया में लेके आए, जो मतलब बहुत कम ब्रीड हो रही है स्पेशली पंजाब हरियाणा हिमाचल अगर हम कहें तो? एक्चुअली स्मूथ फॉक्स टेरियर तो ऑल ओवर इंडिया में ही आपको कम मिलेंगे, ये वाले जो. हाँ जी. इसके लिमिटेड से ब्रीडर हैं, 10 से 15 ब्रीडर मिलेंगे अगर हम काउंट्स करें. वाओ, अच्छे ब्रीडर्स हैं. क्या बात है. और इससे अलावा और कौन कौन सी ब्रीड है अपने पास? अमेरिकन डोबरमैन्स हैं. अरे वाह. स्टैंडर्ड डाइशॉन्स हैं, स्मूथ हेयर. तो मतलब जो मेरी वीडियोस में आज तक कभी नहीं दिखाया, आज वो वाली ब्रीड हम दिखाने वाले हैं. सेंट बर्नार्ड भी दिखाएंगे. जो बहुत बढ़िया सेंट बर्नार्ड है हमारे पास. क्या बात है. सो पाजी अगर मैं बात करूँ इस ब्रीड के बारे में, तो इस ब्रीड के बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें दो कि ये ब्रीड स्पेशली कहाँ की ब्रीड है. ये एक्चुअली इंग्लैंड की ब्रीड है. ओके. इनको ना फसलों को बचाने के लिए रखा हुआ था. अच्छा. फसलें खराब हो जाती थी किसानों की, तो उसी वजह से ब्रीड किया हुआ है इसको. तो ये प्रॉपर एक्टिव डॉग्स हैं, प्रॉपर हाइपर एक्टिव कह सकते हैं थोड़ा. मैं एक्चुअली इसको देखना बहुत स्पीड है यार. तो मिनी कैसे क्या बता रहे थे, क्या किस वजह से? बेल्जियन मैनीग्रोस एक्चुअली. किस वजह से? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक डॉग है ये. मतलब दे कैन जंप कंटीन्यूअसली लाइक 2 to 3 hours. अच्छा, बस ऐसे बैक टू बैक है? वाह यार. अरे अरे
वाओ गाइस, सो ये मतलब मेरे को एक ऐसी ब्रीड लगती है जो फ्लैट्स में रखी जा सकती है, राइट? इनको ज्यादा स्पेस की इतनी जरूरत नहीं है, मतलब वर्कआउट की जरूरत है। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए ये ब्रीड नहीं है। ओके, इनका टेम्परामेंट समझने के लिए उनको डॉग के साथ बहुत ज्यादा अटैच होना पड़ेगा। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। ये थोड़े अग्रेसिव में आ जाते हैं या कैसे? अग्रेसिवनेस नहीं है एक्चुअली, एनर्जी ज्यादा, अगर वेस्ट ना हो तो ऑटोमेटिकली डॉग अग्रेसिव होगा। कोई भी ब्रीड लगा लो आप, अगर बांध के रखें एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अग्रेसिव हो जाते हैं। सो मतलब चाहे इनको फ्लैट्स में रखो बट आप इनको ट्रेन जरूर करो। ट्रेन जरूर करो, बिल्कुल। तो ये आप चीज समझ लो, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ ये पास से कैसे दिखता है। अरे वाह यार, इसमें कलर शेड्स यही रहते हैं या और कलर्स भी बहुत सारे आ जाते हैं? ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन विद व्हाइट, विद व्हाइट। व्हाइट तो इसमें परमानेंट ही है। ओह देखना तो टॉयज का देखना कितने शौक है इनको। वाह यार, ओके। सो पाजी, इससे अलावा जो है अगर इनको आप स्टॉक शोज में भी बहुत सारा लेके जाते हैं, मैंने देखा है। ये भी चैंपियन है, ये मल्टीपल लाइनअप विनर भी है, पॉइंटेड शो में भी इसके पास 6 लाइनअप है। वो लाइनअप और होने के बाद ग्रैंड चैंपियन हो जाएगा। क्या बात है यार, ग्रैंड चैंपियन बन जाएगा। तो ये ब्रीड मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि ब्रीड कॉस्टली ब्रीड है, मतलब एक्सपेंसिव ब्रीड है। अगर इसको आप, क्योंकि ब्रीडर को ब्रीड करने में भी बहुत मुश्किल आती है और ये बहुत लिमिटेड है ब्रीड में, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रीडिंग है वो डिपेंड्स ऑन लाइन। पहले जो अच्छा ब्रीडर है उसको लाइन इकट्ठे करने में बहुत ज्यादा अपना पॉइंट स्पेंड कर देता है। तो आप ये मिला लो लगाओ कुल मिला के कि ऐसी ब्रीड को ब्रीड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फीडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर शो डॉग तैयार कर रहे हो कौन सा फूड दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, ये सबसे मेन चीज है। हम बोल देते हैं कि चिकन दे दिया डॉग को तो इनफ है, चिकन में कुछ नहीं होता डॉग के लिए। कह सकते हैं बिल्कुल भाजी, बहुत सारी चीज़ें हैं चिकन से अलावा, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, मल्टी वाइटामिन, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वो देखना, ओह माय गॉड, खुशी देखना उसके चेहरे पे। हाँ हाँ और भी ज़्यादा एनर्जेटिक है वो तो। चलो ये कितने कितनी एज के हो गए ऑलमोस्ट? ये ब्राउन और ब्लैक वाले हैं, नियर अबाउट 4 इयर्स। ओके, वो साथ में ब्राउन फीमेल है जो छोटी है, वो नियर अबाउट 11-12 मंथ्स की है। ये आपस में दो तीन तो बस खेलने में ही लगे रहते होंगे पूरे दिन। बिल्कुल, वाह फाइट हो गई। वाह यार, ओए तो पाजी मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा, आप हमारे को जरूर आज दिखाएं कि आप इतने सारे डॉग्स को डॉग फीड या डाइट क्या देते हैं, क्योंकि डाइट का ना सबसे ज्यादा मेन लोगों के माइंड में रहता है। ब्रीड टू ब्रीड अकॉर्डिंग डाइट मुझे पता है प्लान की जाती है। बिल्कुल, इसको कितना प्रोटीन चाहिए, किसने कैसे सप्लीमेंट चाहिए, वो ब्रीड टू ब्रीड है। एज के हिसाब से लोग बोलते हैं कि पपी है तो सबको चल जाएगा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता, वो ब्रीड के हिसाब से, ब्रीड के हिसाब से मैटर करती हैं चीजें। बिल्कुल, ज्यादा प्रोटीन देना भी नुकसान है बच्चे। ओके गाइस, सो अभी जो है जो दूसरी ब्रीड के बारे में हम पाजी से बात कर रहे थे वो है ये बहुत ज्यादा प्यारे डैशहाउंड्स। ओए तो ये भाजी हमने एक बार लास्ट टाइम डॉग शो में भी दिखाया था, राइट? वो सेम डॉग ही है जी, है ना, वही वाला डॉग था ना। बिल्कुल, वाह यार, तो एक बार मैं चाहूंगा कि इनको हम टेबल पे सेट करके हम सबको ऑडियंस को डैशहाउंड के बारे में बताएं। ओके गाइस, सो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ बहुत ज्यादा अमेजिंग डैशहाउंड। भाजी ये कितनी एज का होगा अभी? 12 मंथ्स। और ये वही वाला है जो डॉग शो में उस टाइम? हाँ जी वही फीमेल है। वाह यार क्या बात है, जो फीमेल है बेस्ट पपी है। हेलो, ये अग्रेसिव तो नहीं है? वैसे डैशहाउंड अग्रेसिव होते हैं, है ना, और डिपेंड करता है आप कैसे रख रहे हो डॉग को। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। तो यार पाजी आप कुछ मुझे बता रहे थे कि स्पेशली अगर हम डैशहाउंड का ब्रीडिंग स्टैंडर्ड देखा जाए या जो स्पेशल अच्छे डैशहाउंड होते हैं, जो प्रॉपर डैशहाउंड हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड होता है, क्या उनमें चीजें देखनी चाहिए हमें? एक्चुअली सबसे मेन बात है जो डीप चेस्ट कर दी है हमारे, चेस्ट जो होती है 1/3 होती है इसकी हाइट के हिसाब से। हमारे क्या करते हैं, चेस्ट बिल्कुल डीप कर दी, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है। ये बना एक्चुअली बिल के अंदर जाने के लिए बना है, तो उससे बाहर भी आना बैक टू स्पेस, क्योंकि उसके अंदर तो घूमने को जगह है नहीं। और टेल जो चाहिए इसी लेंथ में चाहिए 16 नॉट के साथ। ओके, टेल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसको बाहर आने के लिए। स्पेस करेगा, मिट्टी साइड में करेगा तभी जाके पीछे से बाहर निकलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये इसके मतलब साइज देखना लेग्स का, कितना छोटो सा क्यूट सा लेग्स है इसके यार। वाओ, सो पाजी ऑलमोस्ट आप ये लगा लो कि ये जो ब्रीड है ये भी ऐसी ब्रीड है जो अगर आज डेली लाइफ में हम रखना चाहें इनको, छोटे घरों में या फिर फ्लैट्स में इजीली हम रख सकते हैं। मैं ये स्पेशली चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी मेरी ऑडियंस है जो डॉग लवर है बट उनको पता नहीं कि स्पेसिफिकली उनके लिए डॉग ब्रीड क्या बनी। अगर एक छोटे से फ्लैट में या छोटा नहीं आपके लिए, एक छोटे से घर में जिसमें स्पेस कम है, है ना, इंसान कोई मेट्रो सिटीज़ में आज के टाइम में लोग बाहर से जाकर रह रहे हैं ना जॉब्स के लिए, वहाँ पर स्पेस कम है और वो बड़ा सेंट बना रख लें तो एक बहुत गलत है, सेंट के लिए भी गलत है और मालिक के लिए भी गलत है। तो कुछ स्पेसिफिकली ब्रीड जैसे ये एक प्यारी सी ब्रीड हो गई जो कि ऐसी जगहों के लिए बनी है जिनको अच्छा सा इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, उनके लिए बहुत है। पग हो गई, फ्रेंच बुलडॉग हो गई, उनके लिए ऐसी जगह बहुत है। वाह, और दूसरे वाला कहाँ है, वो कहाँ गायब हो गया, वो देखो उधर सीजर।
गुड बॉय। देखना ये इधर मस्तियां चल रही हैं, पेड़ छांव ढूंढ रहे हैं। हाय करी वाओ। तो पाजी अपने पास ये सारे जो ये कलर चॉकलेट कलर में ही है, ब्राउन कलर में, इसी कलर में है। वाओ यार, हेलो। एक ब्लैक एंड टैन में आते हैं, किस दो कलर में आते हैं ये, सिर्फ दो कलर में आते हैं, राइट। ओके गाइस, ये देखो गाइस, बहुत ज्यादा अमेजिंग डॉबरमैन। भाभी ये कितने टाइम का होगा इस टाइम? ये 4-5 साल का है। 4-5 साल का है। और डॉग शोज वगैरह में? बिल्कुल, ये इंडियन चैंपियन है, बेस्ट पपी भी रहा है साउथ में, ये रहा है चेन्नई वगैरह में। बात है। सो ये ब्रीड इन इंडिया है और इम्पोर्ट? ये BI है। वाओ क्या बात है। और देखना, एक तो बॉल्स के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं ये, इनको जो बॉल टॉय जो मर्जी दिख जाए डॉग्स को तो बस मजा ही आ जाता है। अच्छा, इस ब्रीड के साथ भाभी आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? बिकॉज एज अ लेडी हमारे को जैसे घर भी संभालना पड़ता है, आपको घर संभालना होता है लेडीज को, और साथ ही साथ ना डॉग्स अगर हम रखते हैं फिर वो बिल्कुल प्यार पड़ जाता है। हम थोड़ा मेंस का ऐसा रहता है ना कि वो काम पे बाहर जाते हैं तो कम ध्यान देते हैं डॉग्स पे मोस्टली, बट आपका तो पूरा टाइम इनके साथ निकलता है। इस ब्रीड के साथ स्पेशली कैसा एक्सपीरियंस? बिकॉज बहुत एक्टिव ब्रीड है, बहुत बड़ी ब्रीड है। छोटी ब्रीड में तो चलो मैं समझता हूँ कि खाना पीना भी कम है, थोड़ा देखभाल भी कम है, इनमें हर एक चीज़ डबल है जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है, थोड़ा आइडिया दो। मेरा इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत अच्छा गार्ड डॉग भी है घर पे, और खेलने के लिए इसको छोड़ना, इसकी एनर्जी कंज्यूम होनी चाहिए मेन, तो उसके लिए हम इसको खोलते हैं। बाकी घर पे खुला घूमता है, बच्चों के साथ भी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता, किसी को कुछ नहीं कहता, बहुत फ्रेंडली है। तो वैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर घर पे एक डॉबरमैन है तो आप अपने घर पे बच्चे और वाइफ को एक आदमी बाहर छोड़कर जा सकते हैं, अगर वो ट्रेंड है। बिल्कुल 100% जा। घर पे एक मैन का काम तो करता है डॉबरमैन, है ना। वाओ यार, और ये कौन है, इससे मिलवाओ भैया हमारे को थोड़ा। ये कीवी। कीवी इंडियन चैंपियन है ये भी। हाय कीवी। ये 4 साल, 4.5 साल की हो गई। वाओ, एग्रेसिव है। हाँ थोड़ी सी। हाँ, मुझे लग रहा था इसकी शक्ल देख के, इसने जो लुक दिया ना मेरे को। वाओ। सो भैया डॉबरमैन जो है, डॉबरमैन की एक्टिविटीज बहुत अलग होती है ना, बहुत ज़्यादा इनको टाइम देना पड़ता ही है अगर इनको आपको वेल ट्रेंड एक ह्यूमन की तरह बनाना है, एक मशीन की तरह बनाना है। तो आपको क्या लगता है कि डॉबरमैन उन लोगों को रखना चाहिए जिनके जो जो बिल्कुल सोसाइटीज वगैरह में है? नहीं, एक्चुअली ये फ्लैट्स के लिए नहीं बना है, ये वर्किंग है। वर्किंग है एक्चुअली, वर्किंग ब्रीड्स। जितनी भी आपको फार्म्स पे चाहिए इनको कम से कम इतनी स्पेस तो चाहिए डॉग को भागने। आपको मैं गाइस थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये एक प्रॉपर थोड़ा सा गार्डन टाइप है, घर और बाकी सारी चीजें इधर भी है और इधर भी प्रॉपर सेटअप बाजी ने बनाया हुआ है। ओए हाँ जी, कीवी। तो कीवी को अभी लास्ट कौन से शो में लेके गए थे पाजी? कीवी का लास्ट शो जो हमने किया था करनाल में हुआ था, से 2.5-3 साल पहले। ओके, वहाँ पे ये BOB लगी थी अपने को, ग्रुप लगी हुई। वाह यार क्या बात है। ओके ओके गाइस, ये है सबसे पहला डॉग जो पाजी बता रहे थे। कितने एज का होगा पाजी ये डॉग? ये 8 साल का हो गया जी। वाह यार, ये सबसे पहला डॉग जो मैं शो करने लगा था। आई नहीं, ये देखना क्यूटी। ये ब्रीड बड़ी खतरनाक है, बढ़िया। उसका नाम है माइकल। माइकल एक्चुअली जर्मन शेफर्ड था मेरे पास, उसका नाम था जॉर्डन। अच्छा, तो माइकल जॉर्डन था गया था। हाँ, मेरे पास भी एक जॉर्डन था यार। ओए, ये ब्रीड ना वैसे सच में बहुत ज्यादा क्यूट ब्रीड है। ये हो गया चुआवा, हो गए बिल्कुल। मिनपिन और चुआवा में कितना फर्क है? मिनपिन एक्चुअली, चुआवा इतना एक्टिव ब्रीड नहीं है पहली बात, और ये वर्किंग ग्रुप की ब्रीड है, वो टॉय ग्रुप की ब्रीड है। ये एक्टिविटी में, और उसका साइज बहुत छोटा था, लॉन्ग इन बॉडी होता है थोड़ा, हेड उसका एप्पल साइज होगा, इसका एप्पल शेप में अगर हेड है तो ये फॉल्ट है, उसका एप्पल में नहीं है तब फॉल्ट है। पॉइंट। अच्छा गाइस, ये बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे, तो पाजी ये कितने टाइम के हो गए ऑलमोस्ट? ये नियर अबाउट 2 मंथ्स होने वाले हैं यार। इनकी ब्रीड का नाम है स्मूथ फॉक्स टेरियर। स्मूथ फॉक्स टेरियर, मेरे को टेरियर याद था, फॉक्स टेरियर मिल गया। सो पाजी ये कितने टाइम के हो गए अभी? ये 2 मंथ्स के होने वाले हैं। 2 मंथ्स के, वाओ यार। हेलो, तो पाजी आप लीटर साइज कैसा होता है, मतलब बच्चों बच्चे लेने का क्या प्रोसीजर है? लीटर हुआ आज तक, 7 पपीज का हुआ हुआ इसके। अच्छा, इस ब्रीड में। हाँ जी, हाँ। और इनको क्या टाइमिंग क्या रहती है, जैसे क्योंकि बहुत सारे लोग ना ब्रीडिंग के अंदर ना एथिकल ब्रीडिंग नाम की जो चीज एक होते हैं उसको भूल चुके हैं, वो मतलब क्रुएलिटी की तरफ ले जाते हैं, है ना। एक लाइन है छोटी सी जो लोग कभी भी क्रॉस कर देते हैं। एक्चुअली देखो, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड के हिसाब से पहली बात ब्रीड करना चाहिए, किस लाइन को किससे ब्रीड कर रहे हो, आपको पूरी स्टडी होनी चाहिए उस चीज की। ये नहीं कि आप लाइन ब्रीडिंग कर रहे हो वहीं पे इन ब्रीडिंग कर, फीमेल के लिए, मदर के लिए, बच्चों के लिए, आगे जो ऑनर है पेट ऑनर सबके लिए बुरी चीज है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो अपने पुराने में होता था जैसे कास्ट वगैरह देखते थे कि सेम कास्ट तो नहीं है हस्बैंड वाइफ की, वही सेम गोत्र वाला काम इनमें देख रहे हैं, सेम गोत्र तो नहीं है, बस वो इसीलिए देखते थे। ओके गाइस, सो ना ही सिर्फ ये टेरियर्स, फॉक्स टेरियर्स, स्पेशली यहाँ पर डॉबरमैन भी है। वाओ यार, देखो कितने प्यारे हैं। ये कौन से डॉग के बच्चे हैं पाजी? जो अभी आपने लिवर वाला, रेड वाला बच्चा देखा है उसी के बच्चे हैं। वाओ यार। ओए हां जी,
कितना ज्यादा प्यारे हैं। कुछ तो ये कितनी एज होगी पाजी इनकी? ये इन्हीं की एज के हैं, बस 7-8 दिन का फर्क है इनका। ओके आई और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो स्पेशल हम भाभी के साथ बना रहे हैं, और उसके अंदर जो है हम स्पेशल जो भाभी ने आज तक डॉबरमैन्स जो ब्रीड किए हैं उसके बारे में सारी जर्नी बताएंगे, और साथ ही साथ इन सभी के ट्रॉफीज दिखाएंगे। ट्रॉफीज का ना एक रूम है और वो रूम मतलब वो ट्रॉफी से ही भरा हुआ है, और वो व्लॉग देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बाकी जितने भी ब्रीड मैंने आज आपको दिखाई, अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी पाजी की मैंने सारी डिटेल दी हुई है, इनके इंस्टाग्राम वगैरह सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मेक श्योर टू चेक दैट आउट। सारी ब्रीड के बारे में और कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, पाजी शायद हो सके तो पाजी वहाँ पर रिप्लाई करना अगर किसी को कोई ज़्यादा आपसे कोई भी क्वेरी होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। बाकी अभी भाभी से हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।